गुड मॉर्निंग टू ऑल। केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। स्टाफ नर्स की वैकेंसी जो बिहार गवर्नमेंट के अंदर निकली है NRSM के थ्रू, उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, जिन कैंडिडेट ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वैकेंसी है या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। देखिएगा, स्टाफ नर्स की वैकेंसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। बिहार गवर्नमेंट ने राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार जो एडवर्टाइज नंबर 11/2020 के अकॉर्डिंग जो विज्ञप्ति जो एडवर्टाइजमेंट निकाला है उसके अंदर सबसे बड़ी भर्ती NRSM के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बेस पे NRSM के थ्रू सबसे बड़ी वैकेंसी जो क्रिएट की है, फर्स्ट निकाली है, उसके बारे में कैसे फॉर्म को फिलअप करना होगा, क्या क्या आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है और उसको कैसे फिलअप करते हैं, उसके बारे में सारी डिटेल आज के इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, जैसे ही स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म कैसे भरते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बट इसके अंदर अपन कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, क्या उसकी जो कंडीशन है उसके बारे में आज बात करते हैं। देखिए चलते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं पोस्ट नेम। पोस्ट का नेम है स्टाफ नर्स पोस्ट है। तो NM की जो भर्ती है वो भी अभी कुछ NRSM के थ्रू आने वाली है, उसके लिए योजना प्लानिंग जो है वो कंटिन्यू चल रही है और कुछ ही दिनों के अंदर ये भी पोस्ट आ जाएगी। तो अभी जो GNM BSc और पोस्ट बेसिक BSc जो MSc नर्सिंग किए हुए हैं उनके लिए जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर जो पोस्ट की बात करते हैं, सबसे बड़ी NRSM के अंदर इन VR के अंदर यदि बात करें तो 4102 पोस्ट है वो क्रिएट की गई है, सबसे बड़ी पोस्ट है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि कैन वी अप्लाई ऑल इंडियन कैंडिडेट, है ना, इंडिया के हर स्टेट के कैंडिडेट है इस भर्ती के अंदर पार्टिसिपेट हो सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिएगा पोस्ट की बात करें तो 4201 पोस्ट है। उसके बाद में जो कैटेगरीज वाइज जैसे SC ST OBC जो जनरल है वो उसके अंदर कौन कितनी कितनी जो पोस्ट होती है उसके अंदर जो आपको यहाँ पे दिया गया है, तो 4102 पोस्ट का जो यहाँ पे दी हुई है, अलग अलग पोस्ट दी हुई है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन एंड जो एक्सपीरियंस, क्या क्या क्वालिफिकेशन होगा, कहाँ पे एक्सपीरियंस काम आता है वो देखिएगा। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें GNM हो सकता है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग ये कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन जहाँ से किया है वहाँ का होना ज़रूरी है, या बिहार के अंदर से किया है तो वहाँ का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। बस उसके अंदर कुछ कंडीशन लागू होती है कि यहाँ पे देखिएगा नोट डाल के दिया हुआ है कि कैंडिडेट शुड हैव परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग या एनी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग, है ना। तो यहाँ तो परमानेंट बिहार का होना चाहिए या एनी स्टेट का होना चाहिए या जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है वहाँ से होना चाहिए। बट यहाँ पे एक नीचे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड बी प्रोवाइड द परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम BR नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल पटना बिफोर द ज्वाइनिंग से पहले क्या करना होगा। यदि दूसरे स्टेट कैंडिडेट यदि इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो ज्वाइनिंग जैसे सेलेक्टेड लिस्ट आ जाएगी और सेलेक्टेड लिस्ट आने के बाद में यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अप्लाई BNRC में आपको अप्लाई करना पड़ेगा और अप्लाई करने के बाद में यहाँ का आपको रजिस्ट्रेशन कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इसके बाद में जो मैक्सिमम एज की बात करें तो कितनी एज होती है, कितना रिलैक्सेशन मिलता है, तो उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल से बात किया हुआ है। उसके बाद में ये वैकेंसी का जो फॉर्म है वो कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वेबसाइट दिया हुआ है कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी, इस साइट पे जा करके आप जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही वो स्टार्ट होगा, ये जो वैकेंसी है वो ऑनलाइन है, ये कैसे किस प्रकार का जो आवेदन है वो ऑनलाइन आवेदन है, तो ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये कब स्टार्ट होगा, ऑनलाइन आवेदन भरने के जो तारीख है वो 31 दिसंबर 2020 है और
ऑनलाइन आवेदन भरने और आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम लास्ट डेट है वो 20 जनवरी 2021 रहेगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो नेक्स्ट जो पावर पॉइंट दिया हुआ है, विज्ञप्ति जो दी हुई है उसके अंदर जो 4102 पोस्ट दी हुई हैं वो संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो ये आज की थी वैकेंसी, और इस वैकेंसी के अंदर इसकी सैलरी की बात करें तो ये 20,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग इनको सैलरी मिलने वाली है। रही बात एक्सपीरियंस की, एक्सपीरियंस के अंदर जो बिहार के अंदर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस काम आएगा, प्राइवेट का एक्सपीरियंस काम में नहीं आएगा। तो ये थी वैकेंसी, और जैसे ही फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट होगा और स्टार्ट होने के बाद में कैसे फॉर्म भरते हैं उसके बारे में जो वीडियो आएगा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा बताऊँगा। आज इतना ही, धन्यवाद।